हेलो। हर बड़े बिजनेसमैन आदमी के पीछे अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। अच्छे में तेरे यार दोस्त फैमिली रिश्तेदार अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे। बुरे में तू मेरी गिनती कर सकता है। कौन कुत्ते का बच्चा भौंक रहा है भाई? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है मयंक भारद्वाज। चुपचाप अपनी फैक्ट्री के कागज और 5 करोड़ रुपए भेज मेरे पास। मुझे तू छू भी नहीं सकता। इतना बड़ा बिजनेसमैन मैं यूं ही नहीं बन गया। मयंक भारद्वाज नाम है मेरा। तू गलत जगह भेज रहा है भारद्वाज। अगर ये बात दादा तक पहुंच गई ना, तू और तेरा परिवार खत्म। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। चल फोन काट। अब क्या जवाब दूंगा मैं दादा को? आज अपनी फैक्ट्री को पूरे 10 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। ये हम सबकी मेहनत और ऊपर वाले का करम है जो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इसीलिए मैंने ये पार्टी रखी है। सो एंजॉय द पार्टी। हाँ भाई, क्या नाम था तेरा? मयंक। मयंक? ए मयंक भारद्वाज नाम है इनका। चाचा है मेरे। तू बता तू कौन है? जब मैं बात करूं तो मुझे बीच में बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ भाई, क्या हुआ? मुझे देखकर फट गई क्या तेरी? फोन कॉल पर कोई धमका है तो मत डरो, लेकिन जब विनाश राव के नाम पर धमका है तो डरो। We'll be right back.
अबे भाई पूरा दिन फोन में लगे रहते हो यार, क्या है ऐसा फोन में? फैक्ट्री जाने का मूड नहीं है क्या आज? परेशान मत कर यार, बिजी हूँ मैं अभी। ऐसा क्या कर रहे हो यार फोन में? अपनी नॉलेज से पैसे कमा रहा हूँ बेटा। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? रोबो के बारे में नहीं जानता क्या? रोबो ये क्या है भाई? रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें सिर्फ हां या ना में जवाब देकर बड़े प्रॉफिट कमा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। तो तुमने कितना कमाया अभी तक? अरे भाई अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई मैच में प्रोवो पे एक सवाल था कि सुमन गिल 50 रन का स्कोर पूरा करेगा या नहीं। मैंने हां सिलेक्ट करके 20,000 रुपए लगाए और अपना जवाब दिया। मेरा जवाब सही होने पे मुझे 80,000 का मुनाफा हुआ। ये तो बहुत मजेदार ऐप है। हाँ भाई प्रोवो पे कई तरीके की कैटेगरीज हैं जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी कई तरीके की। जैसा अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सवाल है कि इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतेगा या नहीं, तेरी क्या राय है? अबे भाई जीतेगा, अपना इंडिया ना जीतेगा तो कौन जीतेगा? तो बस मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। तो जीता हुआ पैसा निकालेंगे कैसे? भाई तू पैसे गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई और कार्ड की मदद से आराम से विड्रॉ कर सकता है। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ या ना में ट्रेड करके इंस्टेंट पैसे कमा सकता है। अबे इतना बढ़िया ऐप तो पहले क्यों नहीं बताया, अब तक तो मैं बहुत पैसे कमा लेता यार। अभी वक्त है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर और 25 रुपए का वेलकम बोनस पा। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोवो पर ओपिनियन देकर पैसा कमाया है, तू भी प्रोवो पर ओपिनियन दे और पैसा कमा। अबे तो भाई अभी डाउनलोड करता हूँ मैं इसे। हाँ डाउनलोड कर, चला फैक्ट्री चल रहे हैं अब। चलो हाथी के गद्दू देख के गाड़ी चला ले अंधौरिया। ले बेटे बहुत बोला है ना तू, अब जेल। क्या कह रहे हैं अबे? अब बोल, अब क्यों ना बोल लिया, अब आवाज नहीं निकलेगी, सामने खड़े हैं तो। बेटे अगर किसी को पीठ पीछे बोलने की हिम्मत रखते हो ना तो सामने बोलने की भी हिम्मत रखो, और हिम्मत नहीं है तो किसी को ऐसे बोलो मत। अबे मैंने कहा कुछ बोला है? बेटे यही तो मैं कह रहा हूँ, तूने कुछ नहीं बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया आज इन भाई सबसे, अब गुस्से में खड़े बता क्या करेगा। चल बेटे आगे से ना हो जाए गलती, अब तो मेरे कहने से ये भाई सब छोड़ देंगे तुझे। जाओ भाई सब, कोई बात ना, बच्चा है यार। क्या हुआ मेरे बेटे, क्यों रो रही है मेरे चांद के टुकड़े? चांद का टुकड़ा है, काला सो रही। फालतू बुलवाऊं तुझसे अभी? बस आ रही है, बस का इंतजार करता रहे। इंतजार तो मैं तुम्हारी बहू का भी कर लूंगा, उनको भी बुला लो आ जा मैं तो। क्या हुआ, बैठने जगह नहीं मिल रही क्या? ये भी तो कुर्सी है, इस पे बैठ जा। तेरा सिस्टम बहुत बढ़िया भाई, जैसे तेरे अब्बा कहीं बारात उरात में जाते होंगे, बैठने की जगह ना मिलती होगी उन्हें, तो तेरी कुर्सी पे ही बैठ जाते होंगे, है ना? ओ बात होते जरा कम का, टिकट ले ले पहले। टिकट मुझे ना चाहिए, तू ही रख रहे साले गांडू, ज्यादा चलाक बन गया क्या? पैसे दे और टिकट ले ले। ले तो रिया हूँ, रुक जा। अरे यार मेरे पैसे तो कर रह गए, आज तुम दो पैसे जरा। अबे यार मेरे भी घर रह गए, असगर भाई तुम दो पैसे आज। एक काम करो कंडक्टर साहब, आज हमारे पैसे तुम दो, हम तुम्हें कल देंगे। अच्छा हाथ कैसे लगाया मेरे यार को? ऐसा लगाया, चीखेगा और चीख, पैसे हैं तो बैठ ना, नीचे कुदर आओ भाई। अबे ओए ज्यादा नक्शेबाजी में ना आ रही है तू, अभी बैकग्राउंड ना जानता मेरा? हाँ देखा तेरा बैकग्राउंड, इतने से तो चूतड़ा दे दे। अबे ओए चूतड़ों की बात ना कर रही है आपने, बैकग्राउंड मतलब मेरी पावर, मेरी ताकत। हाँ देखी तेरी पावर, बस का किराया तक का दिया ना गया तुझसे, भिखारी कहीं का। चलो जी यार, इसने बस से मुझे धक्के दे के उतारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट वाली बात गलत कह गया, दिल पे लग गई। और अगर कोई चीज मेरे दिल पे लग गई, चलो
चला कि मैं तो इसका भी बाप हूँ। मैं जाऊंगा इसी बस में, कोई रोक के दिखावे। हल्के में ले लिया। अबे बस क्यों रुकी? तड़ साले कुत्ते के बच्चे, चलाकी दिखा दिया मुझसे। साले चलाकी, मैं तेरा बाप हूँ। मैं उधर नहीं जाऊँ। अरे तू भी यार गलत भाई के हत्या चढ़ गया। तूने पानी मेरे सिर से पार कर दिया, अब तू गया। तू रुक जरा। यार देखने की बात यह है, अकेले ने हम तीनों पे पेल दी, और तू साले लंबा लंबा हो रहा मेरी फलान की तरह, किसी काम का ना तू। अरे यार आज संडे है ना, इसलिए मेरा हाथ ना उठा। अरे यार ये चक्कर निकला, मैं भी देखो मेरा हाथ क्यों ना उठ रहा। संडे है आज, मंडे है आज। तुम मुझे कम बोल ले, बात को खेल लिया और दबाने की बजाय। आज यार मैंने एक चीज सीख ली, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, सलाम करेगी, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो ये दुनिया तुम्हें जूते के नीचे कुचल के रख देगी। बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये दुनिया एक चीज में और तुम्हारी इज्जत करेगी, चाहे तुम कितने भी गरीब हो। तुम्हारी बहू स्मार्ट होनी चाहिए, सब तुम्हारे घर में घुसना चाहेंगे साले। अरे अंशुल भाई 100-200 रुपए दो लाओ यार, पानी की बोतल और सिगरेट लाता हूँ, फिर चल रहे हैं फैक्ट्री। अरे मेरे पास पैसे कहाँ से आए, पैसे होते बस वाले को ही ना दे देता यार मैं, पैसे नाम उसके। बस तुम्हारे अंदर यार यही तो कमी है, तुम पैसे में और दोस्ती में पैसे को ज्यादा अहमियत देते हो। अबे पैसा क्या है, हाथ का मैल है, लेकिन दोस्ती दोस्ती नहीं मिलती है। ऐसी दोस्ती को घुस दे कटर की गांड में, जिसमें पैसा खर्च करना पड़ लिया मैं ना करता हूँ वैसी यारी प्यारी अलग कुटा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। अबे पैदल पैदल ना जाएंगे, थक गए चलाना एरिया, इससे चल रहा है। बहुत देर से खड़ी है, आसपास कोई भी ना, सुनसान एरिया, पार करे दे, जिंदगी भर को गाड़ी भी हो जाएगी और मजे मारते फिरेंगे। देखिए किस्मत भी यही कह रही है, इस गाड़ी को चुरा, चाबी लगी पड़ी है, बैठ। बे यार स्टार्ट क्यों हो रही? अबे ओ ये ना होने वाली स्टार्ट, खराब पड़ी है इसीलिए चाबी लगी छोड़ दी मैंने। सोचा इतने मिस्त्री आ रही है, सेटिंग से बात कर लूं यहाँ बैठ के, और तुमने चोरी का प्लान बना लिया, बहुत अच्छे। रुक आ रही हूँ अभी। चोरी थोड़ी कर रहे हैं यार भाई, हमें तो गाड़ी खड़ी भी अच्छी लगी तो हमने सोचा खरीद लेंगे इसको। यार चला के चेक कर रही था मैं। अच्छा ज्यादा बड़ा चलाक बन गया, गाड़ी खरीदेगा? अब तक तो ना बेच रही, आप बेच रही हूँ इसे खरीद तो। हाँ चलो खरीद लूंगा मैं, बताओ कितने रुपए मांग रहा हो? चल तू ज्यादा ना, इसके 30,000 रुपए दे दे। 30,000 रुपए की गाड़ी है ये, फर्टीचर गाड़ी, 30,000 रुपए की ना लूंगा। चलो भाई आओ। तो कितने देगा तू इसके? 10,000 रुपए दूंगा। 10,000? 8,000। 4,000 सुन लो ठीक से, मुंह मत करो नाटकबाजी। 4,000 2,000 4,000 रुपए में तो पीछे मिल लिया। R15 21 मॉडल खड़ी भी नहीं, 2,000 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा यार, बताओ। ला तो 2,000 रुपए दे। अरे यार ये क्या नाटक लगा रखा, 2,000 4,000 8,000 मुझे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं लग रही है, चोरी की लग रही है। गाड़ी चोरी की लग रही है, तुम ही चोर हो। तो ये बेल्ट फिरने का जिगर हम तुमों के बीच में रहना चाहिए, कहीं ना निकले बात। आज रात सारे माल की पैकिंग करवाओ और कंटेनर में भिजवा दो। मैनेजर साहब, डैड का कॉल आया होगा आपके दौरे हमारी नौकरी के लिए। ओफो डैड, इस हिसाब से जमीन कितनी है तेरे पास? ना ना जमीन हम पे कहां से आई, लेकिन 173 गज का एक प्लाट हैगा, लेकिन दादा के नाम में है यार वो। अब दादा मरेंगे जब भी तो हमारे नाम में होगा, जिस दिन दादा मर गए जमीन पे अपना कब्जा। सोच बढ़िया तुम्हारी,
वैसे अपना घर तो 2-4 बीघे में ही होगा, बंगला ही होगा पूरा। ना ना 65 गज में अपना घर, तो हमसे तो बन भी नहीं रहा था। प्रधान जी ने कॉलोनी दिलवाई, लेकिन कॉलोनी दिलवा के साला पैसा खा गया हमारे, लेंटर डलवा के प्लास्टर करवाया ही ना। वैसे यहाँ पे तो BMW या ODC आए होगे तुम। अरे यार मैनेजर साहब कैसी बातें कर रहे हो, गरीब आदमी है, 150-200 साल भी गाड़ देंगे ना लग के, तब भी ओडी ना खरीदी जाएगी। अबे तो भूतनी के, जब तेरे पास कुछ ना है, गरीब है तू, लीचड़ है, तो अपने अब्बा को अब्बू कह ले, पापा कह ले, लेकिन नहीं डैड, अमीरों के चोटले करेंगे ना। सॉरी मैनेजर साहब, माफी चाहूंगा, माफी। बेटे तेरे बाप ने मेरे यहाँ पे बहुत ईमानदारी से नौकरी करी है, इस वजह से तुम तीनों को नौकरी दे रही हूँ मैं। तुम में से पढ़ा लिखा कौन है? मैं। ज्यादा बुलवाऊं तुझसे? मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तू? तो तू ज्यादा पढ़ा लिखा है मुझसे? चुप हो बे। मैनेजर साहब इन दोनों से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, तुम लंबाई से ही देख लो, ये दोनों कटु हैं और मैं लंबा हूँ, पढ़ा लिखा मैं ज्यादा हुआ। ओफो, तो अब लंबाई बता कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा। तो बेटे इस हिसाब से ये तो हमारा खूब लंबा हुआ पढ़ा, ये तो डॉक्टर हो गया फिर। बे अनगरो, मैं खुद पता लगा लूंगा कौन ज्यादा पढ़ा लिखा। ये बता बेटे क्या लिखा? मैं क्लास में सबसे पीछे बैठे कर रहा ना, तो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखे ही ना करे करा, मुझे ना पता क्या लिख रही है। तू बता भाई। मैं तो खुद इसके पीछे बैठे रहा, मुझे कैसे दिख जाएगा ब्लैक बोर्ड? तुम बताओ। मैं तो बता ही दूंगा, जो भी लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है। बात दिख गया मुझे, कितने पढ़े लिखे हो तुम सालो जाहिलो, और तुम्हारे लिए फैक्ट्री में बस एक ही काम है, कूड़ा उठाने का। अरे यार रहने दो, ये कूड़ा पूड़ा उठाएंगे हम, हमारे ये काम रहेगा यार, पहुंचो सवेरा, ये ना करूंगा मैं। तो बेटे तू भी पहुंच सवेरा। आओ फिर कूड़ा ही उठा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उस काम में, काम तो काम है, एक साथ करके फेंकते हैं। आओ यार, इन्होंने तो हमारी ज्यादा इज्जत खराब कर दी, कूड़ा उठवा रहे हैं हमसे। तेरी इज्जत ही बहुत थी जो खराब हो गई। अबे जितनी भी थी वो तो खराब हो गई ना। अरे चुप यार, यहाँ पे नौकरी करनी किसे, मेरा करे कद्दू ये नौकरी, फैक्ट्री को देख के मेरा दिमाग तो कुछ और ही कह रही है, एक प्लान है मेरे पास, यहाँ को आओ। ए, क्या कर रही है, क्या सुन रही, चल निकल यहाँ से, अपना काम देख। अरे यार बेचारा गुंगा बहरा है। सुनो एक काम कर लेते हैं, फैक्ट्री में लग रही है 20-25 लाख रुपए से ज़्यादा की मशीनें, साली आज रात सब गायब कर दो, एक ही झटके में 20-25 लाख रुपए अपने जेब में होंगे। अबे तू पागल है कैसे, कैमरे लग रहे हैं और इतने सारे लोग हैं, कैसे करेगा चोरी? बेटे इसके लिए भी अपने पास दिमाग हैगा, बाहर चल रहे हैं, जूस लेके आते हैं, उसमें नशे की गोलियां मिला देंगे और साला सबको पिलाएंगे कि नौकरी लगी उसकी खुशी में पिला रहे हैं, सब नशे में धुत हो जाएंगे, मशीनें कर दूंगा गायब, 20-25 लाख एक झटके में जेब में। अबे ये तो बहुत सही है यार, एक बार में 20-25 लाख रुपए। अबे बेटे दिमाग से पैसा है, जिस पे दिमाग है उस पे पैसा है, और हम पे दिमाग, अब हम पे पैसा आने वाला जरा देर में ही। आओ सारा लोहा उड़ा दूंगा यहाँ का। जूस, नशे की गोली है? क्या हुआ मैनेजर साहब, जूस नशे की गोली क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या, मैं समझा ना कुछ। अभी समझेगा। यार ये है बहरा साला, मुझे लगा कोई सबूत हाथ लग गया। पूछ लो इससे मैनेजर साहब क्या बात है, हम तो वो जिक्र कर रहे थे कि फैक्ट्री की तरक्की कैसे होगी, कैसे काम आगे बढ़ेगा, वही बताने तुम्हें आ रही है हमें, पूछ लो इससे। अब ये बेचारा क्या बताएगा, ये ठहरा गूंगा बहरा आदमी। सब बता दिया मैंने, कैसे 20-25 लाख रुपए का हिसाब लगाए बैठो, सब बता दिया मैंने। अबे यार कितनी सुअर एक्टिंग कर रहा है यार ये, इस पे मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा कर लिया था मैनेजर साहब, यार गलती हो गई यार मैनेजर साहब, देखियो। गलती गलती तो तेरी अभी सही होगी, मारो सालों। अबे तुझे क्या मजा आता है उल्टे सीधे काम करने में, साले तेरी वजह से आज हमारी नौकरी अलग गई, बेइज्जती अलग हुई और पिटे अलग। अबे बंदर की झाट तू थोड़ा पागल है क्या, बेइज्जती देख रही है, अगर कामयाब हो जाते लोहे चुराने में ना, मालदार भी तो हम तीनों ही होते। हाँ इस बार ना हुए कामयाब, हो जाती है ये चीजें, अगली बार फिर मेहनत करेंगे, क्या पता ऊपर वाले की दुआ से बेड़ा पार हो जा। बेटे नेवर गिव अप इन द स्काई, पता ना दिखाया तुम्हें। अबे हाँ चल छोड़ यार, तू चाय लगवा। एक काम कर, 3 चाय लगवा ले, 10-10 वाली, पैसे कम है यार मेरे पास।
बात सब भिखारियों वाली करेगा। अबे गरीब मैं बैठा तो हूँ, पैसों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद दूंगा पैसे। और 10 रुपये वाली चाय में मिलेगा ही क्या, इतनी सी चाय मिलेगी, वो ना मलाई होगी ना कुछ होगा। 30 रुपये वाली चाय पियेंगे, इतना बड़ा गिलास होगा, मलाई अलग से मिलेगी, चाय के साथ कुछ और लोगे। एक गोल्ड फ्लैग की डिब्बी डाल लियो। कमल भाई। हाँ बता। मैं कह रही हूँ यार 30 रुपये वाली चाय लगाओ जरा, दूध बहुत शानदार वाला डालना और मलाई ज्यादा डाल देना, मजा आ जाना चाहिए। और एक गोल्ड फ्लैग की डिब्बी दे दो। पैसे? पैसे यार कामिल भाई अपना तो चलता आना उधार वाला, हिसाब में लिख लो दे दूंगा। चल बे, उधार उधार ना चलता, पैसे हो तो चाय पीना तो निकल यहाँ से। यार नगद में पैसे तो नहीं है मेरे पास, एक काम करो 10-10 वाली 3 ही मंगा लो। अबे गरीबो, जब तुम्हारी जेब में पैसे ना होते तो कैंटीनों पे चाय पीना और क्यों हो। अबे 10 रुपये की दूध की थैली लेके घर बैठ के पिया करो, पूरा खानदान चाय पिएगा। कम बोल ले साले, भाड़ो कभी दूध की थैली ले लियो, दूध की थैली ले लो। बेटे जरा दिन कुछ दिनों से ऐसे चल रहे हैं जो गरीबी में आ गए हम, वरना हम भी बहुत ज्यादा मालदार थे। हमारे दादा परदादा घोड़ों के शौकीन थे, घोड़ों के। हाँ बस गलती इतनी हुई है उनसे कि घोड़ों का शौक इतने ज्यादा कर लिया, जिंदगी के लोड़े मान लिए। बात कर रही है भाड़ू। कामिल भाई 10-10 वाली 3 चाय लगा दो। अरे यार अब बताओ अब क्या करना है, फैक्ट्री की नौकरी तो आज से गई। अबे इस फैक्ट्री में मुझे करनी ही नहीं थी नौकरी, इस फैक्ट्री में तो मेरा मन ही ना बिल्कुल भी। देख भैया जाऊंगा तो विनाश राव वाली फैक्ट्री में ही जाऊंगा। अबे वो है बड़ी फैक्ट्री, एक बार में मालदार हो जाएंगे यार वहाँ पे हम। इतनी आसानी से तो उस फैक्ट्री में लग भी नहीं सकता। अबे साले गिरगट, तुझसे पूछा किसी ने, चुपचाप बैठे रहे। बेटे एक ही बात बताऊंगा जिससे तू उस फैक्ट्री में आसानी से लग जाएगा। यार बताओ कौन सी बात है, मुझे उस फैक्ट्री में जाना कैसे भी करके। ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, 500 रुपये लूंगा। हाँ हाँ दिए 500 रुपये दे दूंगा, लाओ बताओ क्या बात है। फैक्ट्री का जो मालिक है ना उसके पीए को पटा ले, नौकरी पक्की। पीए को पटा लूंगा कैसे भी करके, हो गया काम, लेकिन मिलेगा कहाँ पीए मुझे। इस बात के बताने का 1000 रुपये लूंगा। हाँ दिए चलो 1000 भी दिए। देख पीए मिलेगा तुझे मलकद्दा वाले रोड पे, सुबह को वहीं से जाता। मेरी जान ये बहुत काम की बात है यार, सुबह को पीए को पटा के फैक्ट्री में करूंगा काम पक्का। आओ बे आओ। मैं कहाँ जा रही है, 1500 तो दे मेरे पहले। पैसे खाते में लिख लो मेरे, बैठ रहे होते हैं, जिस दिन होंगे उस दिन देने आ जाऊंगा मैं। अबे चल बे, इस काम में उधार उधार न चलता, मुझे अभी पैसे दे। पैसे ना यार मेरे पास अभी नगद में, तो एक काम करो अपनी बात वापस रख लो, चलो बे आओ। आ जाओ बे, पीए की गाड़ी इधर से आने वाली है, जैसी पीए आ जाए तुम तो अपनी बदमाशी पूरी दिखाना, पूरी तरह डर जाना चाहिए, वो जो तुम्हारे दिल में आए वो करना, ठीक है। आ रही है देखो गाड़ी पीए की। चल बे बाहर निकल। मेरे पास जो भी है पैसे वैसे मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ, प्लीज मुझ पर गोली मत चलाना। अरे हाय, तेरे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तेरी जान चाहिए कुत्ते के बच्चे। आ, 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 आ। एक बच्चे जैसे मासूम आदमी पर गन तान के अपने आप को मर्द समझता है तो थू है तेरी मर्दानगी पे ना मर्द, मुझसे भीड़। बच्चे तू यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। अबे चुप, तुझ जैसे गुंडों से मेरी रोज की मुठभेड़ होती है, मेरे बाप ने मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, गुंडों से लड़ना सिखाया है, चला गोली हिम्मत है तो। हट जा वरना मर जाएगा। अबे यही तो देखना चाहता हूँ, चला गोली अगर तेरे अंदर दम है तो। हट जा मैं गोली चला दूंगा। अबे तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो चला गोली, तेरी माँ से ही पैदा है तो चला गोली। अबे डर क्यों रही है, चलाता क्यों नहीं है गोली, तुम टेंशन मत लेना जब तक मैं खड़ा हूँ। अबे चला भूतनी के। अबे मार दूं क्या गोली जब इतना कह रिया तो। अरे जब कह रिया तो मार देना, रियलिटी भी लगेगी। अबे कुत्ते गोली की चलाई, पुलिस को फोन कर दी। रहने तो भाग गए। ये तुमने क्या किया, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, अब तुम्हारा भी एक फर्ज है। क्या? मेरी और मेरे दो भाई हैं, उनकी नौकरी अपनी फैक्ट्री में पक्की करा दो कैसे भी। ये मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे लगवा सकता हूँ, मैं उसमें पीए ही तो हूँ बस। अगर तुमने नहीं लगवाई ना तो आज इंसानियत हार जाएगी, इंसानियत पैरों के तले कुचल जाएगी, क्योंकि तुम जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से, मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है पीए साहब। ठीक है, तू और अपने दोनों भाइयों को कल फैक्ट्री लेके आ, मैं तेरी नौकरी पक्की कराता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुझे हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, बहुत खून निकल गया है। नहीं नहीं पीए साहब, मैं खुद चला जाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, गोली छू कर निकली है, आराम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? क्यों बे कुत्ते के बच्चे, तुझे गोली चलानी जरूरी थी? अबे तो तू ही तो कह रही था मार मार, बाप से पैदा माँ से पैदा तो मार, और रियलिटी भी तो लगनी चाहिए थी, तो मैंने मार दी। अबे तो मैं एक्टिंग कर रही था कुत्ते, एक्टिंग तुझे समझाया तो था पहले ही। खैर छोड़, एक काम अच्छा हो गया, नौकरी पक्की हो गई। ओफो, देख रहा हूँ नाटक इनके, ये होते हैं मालदारी के चोचले। कितनी आराम से सो रही है अस्पताल के अंदर, फिर भी मार्क्स नहीं हटा रही है ये कुत्ता। अरे कैसे फड़फड़ा रही है, जैसे बिल्कुल सांस पास ना आ रही हो, जैसे इसके गले पर में चाकू पाकू रख लगाओ। साले धुआं ही ना मार्क्स के जाओ। आओ बे। बहुत दिनों से मेरा सपना था कि किस दिन ये दिन आए और मैं उस फैक्ट्री में पहुंचूं। विनाश राव आ रहा हूं मैं। तो फैक्ट्री में जाने की तैयारी तो पूरी हो गई? हाँ गाइस, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, और अपना लाइक जरूर देकर जाना यार, बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का, तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करो और दोस्तों में शेयर कर दो सब जगह वीडियो को, और कमेंट में ये बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, कौन सा सीन बेस्ट लगा। तो मैं सभी की कमेंट पढ़ रहा हूँ, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत की है, आपका प्यार ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और हाँ, अपना ओपिनियन जो है ना गली मोहल्ले में मत दिखाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो प्रोवो को, और वहां पे 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा, तो जल्दी डाउनलोड करो। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सभी जगह वीडियो को, लव यू। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और नेक्स्ट पार्ट में इससे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आने ही वाला है बस, बाकी तो पता नहीं, आने ही वाला है इससे ज्यादा मजा, क्योंकि उसका मुझे खुद को भी इंतजार है नेक्स्ट पार्ट का, उसमें ज्यादा चीजें करने को मिलेंगी और ज्यादा सीन्स करने को मिलेंगे, तो उसका मुझे खुद को भी इंतजार है। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट करो, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द आएगा। लव यू।